जलंधर के एक बाजार में एक विदेशी व्यक्ति ने रिक्शा चालक को बैठाकर खुद रिक्शा खींचा। मामला ना सिनेमा के पास का है। गोरे दंपति ने हाथ देकर रिक्शा रोका। दंपति रिक्शे में बैठ गए और चालक रिक्शा खींचने लगा, लेकिन रिक्शा चालक की दशा देखकर गोरे का दिल पिसीच गया। उन्होंने चालक को उतार कर खुद रिक्शे का हैंडल संभाल लिया। विदेशी ने जिद करके चालक रतन लाल को सीट पर अपनी पत्नी के साथ बैठाया। गोरे की जिद के आगे रिक्शा चालक कुछ बोल ना सका और उसकी पत्नी के साथ सीट पर बैठ गया। इसके बाद गोरे ने रिक्शा चालक को शहर में पीछे बिठाकर और खुद रिक्शा चलाकर सैर करवाई। आसपास के लोगों को पहले लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन जब हकीकत पता चली तो लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरों में इस पूरे वाकया को कैद कर लिया। इसके बाद इस मामले के वीडियो वायरल हो गए। रिक्शा चालक रतन लाल ने कहा कि उसको ये वाकया एक सपना सा लगा। मैं जा रहा ही है, उन्हें मैंने हाथ दिता कि उन्हें जाना ही किसी दुकान पर जाना ही, कि वो मैंने कहने लगे तो मैंने उन्हें भाषा समझ नहीं आई, अंग्रेजी बोल रहे ही। वो दुकान वाले ने मैंने कहा भी इन्होंने फलानी जगह ले जा, तो मैं चलो बैठ जाओ मैं ले जाना वा। बाद तीन लड़कियां आईया, उन्हें मैंने दसाया भी अंकल कोई समझ लगी इन्हों की भाषा समझ लगी, मैं क्या नहीं जी। उन्हें मैंने कहा सिमल हॉस्पिटल के ना बाहर पिंड कोटा की दुकाना है उत्थे ले जा, तो मैं क्या भी चलो। वो मैं उन्होंने कहा भी तुम बैठ जाओ, कहना नहीं तू बैठ जा मैं रिक्शा चलाना वा। तो मैं समझा भी फोटो खिचानी होएगी शायद मैं रिक्शे से बह गए, तो उन्हें नहीं वो चला ला पाया। मैं नाल थोड़ा पैदल गया तो उन्हें फिर ब्रेका ला गए तो वो मैंने उन्हें बहाल लिया पिछे तो वो चला लग पाया। इतने अजकल माड़ा गया किसी चक्का लग जाए गाली क्ढन लग पे इंसान, फिर इंसान इंसान खिंच के खड़ता वा, इज्जत मान नहीं देंगे बई उत्तू गाला कटते हैं। तो बाहरले लोगों ने आके देखो इज्जत इज्जत मान दिता, आप रिक्शा चलाया मैंने नाल बहाल लिया उन्होंने, तो पैसे भी दिते तो बहुत इज्जत मान मिलया। 30-35 साल हो गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।